आपकी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजनी, आपकी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मधुपुर। आरपीएफ ने ट्रेन से यात्रियों का मोबाइल चुराकर भाग रहे दो चोर को पकड़कर जीआरपी मधुपुर के हवाले कर दिया है। घटना के संबंध में जीआरपी थाना प्रभारी हरे राम दुबे ने बताया, पकड़े गए पहला व्यक्ति का नाम सैद अंसारी ग्राम लहरजोरी थाना मार्गोमुंडा का रहने वाला है, जबकि दूसरा चोर अमित कुमार महतो थाना हरलाखी जिला मधुबनी बिहार का रहने वाला है। पकड़े गए दोनों चोरों को न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया, जहां से दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मधुपुर इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। क्या मामला है? कल दिनांक 8/4/21 को लोकल ट्रेन से यात्रा कर रहे अरुण साव का मोबाइल लेकर चलती ट्रेन से उतर कर भागने के क्रम में क्या नाम है उसका, अंसारी, उम्र 24 वर्ष, पिता स्वर्गीय शफाउद्दीन अंसारी, साकिम लहरजोरी थाना मार्गोमुंडा को गिरफ्तार किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है तथा दिनांक 9/4/21 की रात्रि में दिनांक 8/9/4/21 को गंगा सागर एक्सप्रेस ट्रेन से मधुपुर रेलवे स्टेशन पर एक यात्री का मोबाइल की चोरी कर गेट से बाहर जा रहे अमित कुमार महतो जिला मधुबनी को गिरफ्तार किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में प्राथमिकी अंकित कर भेजा जा रहा है। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।